बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक और फिर से होंगे। दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक अदर मजीद घर का प्रपोजल। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस चैनल पर 35x55 की एक अदर घरों की प्रपोजल की सीरीज दिखाई जा रही है, तो बाकी प्रपोजल को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या साथ लगी प्लेलिस्ट को भी प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका साइज 35x55 का 35 फीट हमारे पास आ जाएगी इसकी चौड़ाई, और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो आ जाते हैं जिसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट का साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 11 फीट वाइड का, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी अंदर की तरफ इजीली एंट्रेंस ले जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक लॉन। तो 35x55 के इस घर के इस प्रपोजल में आपको एक छोटा सा लॉन मिल जाएगा, जिसमें आप अपना ग्रास वगैरह छोटा मोटा प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, सीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके साइज को देखते हैं जी। तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 21 फीट बाय 6 फीट 8 इंच, 21 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 6 फीट जो हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिलेगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा मिल जाएगा आपको शेड, जिसको हमने थोड़ा सा बाइक की तरफ निकाला है, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस या किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। तो कार पोर्च का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 11 फीट बाय 19 फीट, 11 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 19 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा दो अदर स्टेप के बाद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर हॉल एरिया की तरफ, जिसमें आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगी। तो इसके साइज़ को देखते हैं जी। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 फीट 9 इंच बाय 14 फीट 8 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इस टेयर हाल की मदद से आपके ऊपर वाले पोर्शन को मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके साथ ही आप ऊपर वाले पोर्शन को एज अ रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके सामने ही आपको इस घर का ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 14 फीट 12 फीट 4 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इन दोनों में वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए आपको दोनों की विंडोज़ वगैरह, यानी कि इस वाले ड्राइंग की विंडो, इस वाले स्टेयर हॉल की विंडो आपकी इस वाले लॉन में ही ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों में वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे हमारे पास आ जाएगा ड्राइंग के साथ एक अदर अटैच बाथ, इस वाले बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाय 7 फीट 4 फीट ये चौड़ाई में, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ड्राइंग वाले लोग इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके मेन घर की तरफ, मेन एंट्रेंस की तरफ, जो कि ओपन होगा आपकी सिटिंग लाउंज की तरफ, टीवी लाउंज की तरफ। और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 15 फीट 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 15 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आपकी सोफा वगैरह सिटिंग वगैरह लग सकती है, जबकि ये वाली वाल आपकी एज अ मीडिया वाल भी इस्तेमाल हो सकती है, और सोफ़ा सेटिंग आपकी इस तरह से लग सकती है। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ओपन, जिसकी विंडो इस वाले टीवी लॉन्च में भी ओपन हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, और आप इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की मदद से इसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस वाले ओपन का साइज आने वाला है हमारे पास 4 फीट बाय 7 फीट 4 फीट ये चौड़ाई में, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बिल्कुल इसी के सामने इस घर का पहला बेडरूम आपको मिलने वाला है, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाय तकरीबन 15.5 फीट का 12 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 15.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा साइज़ का आपको बेडरूम मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे देखते हैं जी। तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर का स्टोर, स्टोर का साइज़ हमने दिया है 12 फीट बाय 7 फीट 12 फीट इसकी चौड़ाई, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो एज अ क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक हमने इसमें एक तो स्टोर दिया है इस वाले बेडरूम के साथ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भाई से दे सकते हैं, अंदर से स्टोर देने के बजाय आप इसको भाई से भी दे सकते हैं, यानी कि भाई से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक कदर अटैच बाथ, और अटैच बाथ के पहले आपको मिल जाएगा इसमें एक कदर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 3 फीट 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर आपको इसमें अलमारी के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, और सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कदर बाथ, बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट 5 फीट ये चौड़ाई में, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके अलावा इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने सेंटर में दिया है एक अदर ओपन, ओपन डोर स्क्वायर दिया है, और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 5 फीट बाय 10 फीट 5 फीट ये चौड़ाई में, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले विंडो की मदद से, अगर आप चाहें तो इसकी मदद से इसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका सील लेवल काफ़ी डाउन जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास इस घर का दूसरा बेडरूम मिलेगा आपको इसके ही दूसरी तरफ, यानी कि इस वाली जगह पे, और इसका साइज़ हमने दिया है 12 फीट बाय 16 फीट 12 फीट 3 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी, और 16 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ भी आपको पहले वाले बेडरूम की तरह अटैच ड्रेसिंग और बाथ मिल जाएगा, ड्रेसिंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 3.5 फीट बाय 6 फीट
और इसके साथ सामने तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज हमें दिया है 6 फिट बाई 6 फिट इसकी चौड़ाई और 6 फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो दूसरे वाले बाथ के वेंटिलेटर की तरह इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। इसी साथ ही हमारे पास इस घर के किचन को देखा जाए तो दोनों बेडरूम के सेंटर में पास आ जाएगा इसमें इस घर का किचन। किचन का साइज हमने दिया है तकरीबन 7.5 फिट बाई 10 फिट का। 7.5 फिट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी और 9 फिट 8 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। और इसकी विंडो भी और इस वाले किचन की विंडो भी आपकी इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन आपकी इस वाले ओपन से मिल जाएगी। तो ये था जी हमारे पास 35x55 का एक घर का प्रपोजल। तो आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 35x55 का ये एक तो हमारे पास घर का प्रपोजल था जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो अगर आप 35x55 के मजीद घरों के प्रपोजल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिलेगा इसमें राइट साइड पर। मेन गेट के सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च। इससे पहले आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक छोटा सा लॉन। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास डबल डोर लेफ्ट साइड पर जो ले जाएगा आपको स्टेयर हॉल एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अटैच करेंगी। और इसके सामने आपको मिल जाएगा इस घर का एक ड्राइंग रूम। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक सिटिंग हॉल एरिया टीवी लॉन्च मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टोर। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें इस करके इस वाले ड्राइंग के लिए एक अटैच बाथ। बैक साइड पे आपको दो अदर बेडरूम मिल जाएंगे। दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे। जबकि दोनों बेडरूम के सेंटर में आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर किचन। और इन तमाम चीज़ों को पिछले वाली तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए आपको सेंटर में एक अदर ओपन मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।